सेंधवा। आगामी त्योहारों को लेकर मंडी सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गा उत्सव को लेकर जहां गाइडलाइन जारी की गई, वहीं ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस को लेकर अभी तक जारी गाइडलाइन के आधार पर हर तरह के जुलूस पर प्रतिबंध है, इसलिए जुलूस नहीं निकालने की बात कही गई। रात 8 बजे से दुकानें बंद रखी जाएगी। सिर्फ मेडिकल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद करने के साथ ही रात 10:30 से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही अलाउ न हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सेंधवा SDM तपस्या परिहार ने कहा, दुर्गा उत्सव को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि प्रतिमा की हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा पंडाल 10x10 का रहेगा। 100 से ज्यादा लोग आयोजन में शामिल न होंगे। चल समारोह की अनुमति नहीं रहेगी। इसके साथ ही विसर्जन के लिए 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। सभी आयोजन के लिए SDM से अनुमति लेना होगी और लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को लेकर स्पष्ट किया गया है कि अभी जो गाइडलाइंस है, इस आधार पर हर तरह के जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आइए सुनाते हैं त्योहारों की गाइडलाइन और दुकानें बंद करने को लेकर क्या बोली सेंधवा SDM तपस्या परिहार। आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी, क्या है? तो बेसिकली जो 21/9/2020 को जो डिस्ट्रिक्ट से जो धारा 144 का आदेश निकला था, उसके बारे में अवगत कराने में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग रखी गई थी। तो इसमें जो नियम धारा 144 के आदेश के अंदर हैं, जो हमको पालन करना है हम सभी को, वो उनसे अवगत कराया गया कि सबसे पहले तो जो मूर्ति की स्थापना होगी नवरात्रि में, उसकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट हो सकती है। जो पंडाल है वो 10x10 फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहीं भी किसी भी इस तरह के धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में ये जो होते हैं, इनमें 100 से अधिक लोगों की परमिशन नहीं है। उसके बाद लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से 10 बजे के बाद अर्बन एरियाज़ में लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। और उसके बाद मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोग विसर्जन स्थल पर नहीं जा सकेंगे। और मूर्ति विसर्जन और किसी भी प्रकार का ये आयोजन करने के लिए मेरे ऑफिस से परमिशन लेना आवश्यक है। और इसके साथ ही जो रात्रि में जो दुकानों का जो बंद होने का समय जो निर्धारित किया गया है वो 8 बजे है। उस 8 बजे के बाद सिर्फ कुछ ही दुकानें जो कि केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित हैं, वो खुली रह सकेंगी। अनावश्यक रूप से कोई भी आवागमन 10:30 से सुबह 6 बजे तक अलाउ ना हो, ऐसी व्यवस्था करी जाएगी। यही है कि जिस भी कार्यक्रम में, जिस भी आयोजन में लोग सम्मिलित हों, वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये इस आदेश के अंदर दिया हुआ है। और इसमें ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि गरबा के आयोजन नहीं किए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स से अवगत कराया और एक तरह से सहमति है सबकी, सभी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। बड़वानी जिले में 8 स्थानों पर 14 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो बड़वानी में 4, खेतिया में 2, पानसेमल में 2, सिदड़ी में 1, चाचरिया में 1, पलसूद में 2, सेंधवा में 1 और ठिकरी में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अब जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,863 हो चुका है। वहीं 1,676 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 167 लोगों का उपचार बड़वानी, सेंधवा व इंदौर में जारी है। वहीं अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार के बाद छुट्टी हुई है। इसके साथ जिले में 370 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। हेल्थ बुलेटिन